हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली मुझे कुछ बात शेयर करनी है आप लोगों से। तो गाइस, सीन ऐसा था, मैं एक रिलेशनशिप में था, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से था, तब से मैं एक रिलेशनशिप में था। एंड रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया एंड मैं बहुत ये हो गया था, मतलब मैं ट्राई कर रहा था सबको हैप्पी दिखने का, बट मैं नहीं था अंदर से खुश। मुझे बहुत सब कुछ अलग अलग सा लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ एक महीने का ब्रेक ले लूँ यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब चीज़ से, एंड किधर बाहर जाऊँ वैकेशन पे छुट्टी मनाने। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो यस गाइस, अभी एक महीने तक कुछ ब्लॉग्स या फिर मैं कोई भी चैनल या सोशल मीडिया पर नहीं दिखूँगा, क्योंकि मुझे सब चीज़ों से दूर रहना है थोड़ी देर। बट इतना भी जल्दी क्या है यार, अप्रैल महीना अभी अभी चालू हुआ है। लोग आपको अप्रैल फुल बना सकते हैं, मैं आपको अप्रैल फुल नहीं बना सकता क्या? मतलब यार, सिर्फ लोगों को हक है अप्रैल फुल बनाने का। तो भाई, अपन एकदम अलग अप्रैल फुल बनाते हैं यार। तुम्हारा भाई अभी किधर भाई, ये सब लोचो में पड़ेगा क्या आपको लगता है? तो यस गाइस, तुम्हारा भाई अभी भी एकदम सिंगल है। तो सेंड रिश्ताज ऑन माई इंस्टा, अगर आपके पास रिश्ताज है तो मेरे इंस्टा के डीएम में पॉपअप करो भाई, जल्दी से इंस्टा इधर मिल जाएगा। वैसे आप लोग अगर अभी सोच रहे होगे मैं किधर हूँ, तो गाइस मैं हूँ अपने एकदम नए TSG स्टूडियो में। अभी मैं कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, अभी सिर्फ हमें फ्लैट मिला है खाली। तो धीरे धीरे इस फ्लैट को हम एकदम बूट कैंप बनाएंगे। तो मिलेंगे, अभी चलते गाइस। अभी मेरे को बैंक जाना है एक अर्जेंट काम से, मैंने सोचा आज का ब्लॉग इधर स्टार्ट करता हूँ एंड थोड़ा सा प्रैंक करता हूँ अपनी पब्लिक को। एंड मुझे लगता है थोड़े लोगों को मैंने प्रैंक कर दिया रहेगा, बट ये नहीं कर पाया। तो यार, इसे समझ गया था कमेंट में बताना मेरी बुरी एक्टिंग। फिलहाल गाइस, ये अपना स्टूडियो है, उधर किचन है, आगे का रूम्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा नहीं, जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मेन चैनल पे इसकी वीडियो आएगी। फिलहाल चलते हैं बैंक, एक काम है वो निपटाते हैं, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसे व्यू देख सकते हो, मतलब क्या ही प्यारा व्यू है यार, मॉर्निंग का मज़ा आ जाएगा। एंड ऑल्सो इधर हमारे आने से पहले अपनी हनी बीज आ चुकी है इधर, तो बहुत डर लगता है यार मुझे हनी बीज से। तो फिलहाल चलते गाइस, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो अभी जाते हैं एंड काम करते हैं, देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या करते हैं हम। बाहर इतनी धूप थी, मेरा मन नहीं था किधर जाने का, बट अभी क्या सीन हुआ था, पिछले व्लॉग में मैंने अपनी कार ठोक दी थी, तो अब वो इंश्योरेंस के क्लेम के लिए गई हुई है, 15 डेज बाद रिटर्न आएगी। एंड मुझे एक एक्टिवा भी चाहिए थी बहुत टाइम से, क्योंकि यार इधर थाने में अभी बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, तो हर जगह मैं कार लेके नहीं जा सकता हुआ। तो मैं अभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय कर लूंगा, ताकि थाने में किधर भी घूमना है अपने के लिए ईजी हो जाएगा आगे ब्लॉग करने के लिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए इधर। तो ये है फर्स्ट एक्टिवा जो हमें इधर दिखाई है, ये देखो, और ये 120 किलोमीटर चलती है फुल बैटरी पे। ये सारे है स्कूटर्स और ये सारे इसमें कलर्स है, मतलब इसमें सीन ऐसा है कि इसकी बैटरी जो है 17 किलो की है, जो अपने को ऊपर जाके चार्ज करनी पड़ेगी। बाकी एक्टिवा तो आप लोग देख सकते हो एकदम, अगर आप तो मैं एक्टिवा देख रहा था, बट इधर एक बाइक भी हमने देखी। इधर देखो, ये इधर पेट्रोल की जगह चार्जिंग पॉइंट है। तो गाइस यार, लेने तो हम एक्टिव आए थे, बट मुझे ये बाइक बहुत पसंद आ गई, बट इसकी रेट जो है 2 लाख रुपीज़ है, और एक बार चार्ज में 140 किलोमीटर चलती है। तो कमेंट में बताना ये कैसी है। तो गाइस, अभी मैं घर पे आया था, और ये जो है ये मेरे भाई की लड़की, और ये मेरे को बार बार बोलती रहती है कि आप मेरे को वीडियो में क्यों नहीं लेते हो। तो आज मैंने इसको वीडियो में लिया, आज ये व्लॉग करेगी हमारे लिए। करेगी ना व्लॉग? नहीं कर, अभी तो तू बोल रही है वीडियो में लो, वीडियो में लो, ले रहा हूँ तो तू व्लॉग नहीं कर रही है, हंसे जा रही है। तो अब ये शर्मा रही है, मतलब जब कैमरा सामने नहीं होता तब पूरा मेरा सर खा जाती है कि मेरे को व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, और जब मैं इसको कैमरा दे रहा हूँ अब ये हंसे जा रही है सिर्फ। ये देखो, सिर्फ हंसे जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, इतना क्यों हंस रही है, इतना क्यों हंस रही है तू? हाँ बाप रे, बात ही बंद नहीं हो रहा है। तो मेरा नाम है ध्रुवी, तो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइस, ये मेरा टेडी बियर है, तो इसका नाम है ढोलू। ट्वी का व्लॉग आज के लिए इतना ही, अगर आपको इसको आगे आने वाले व्लॉग्स में देखना है तो इस वीडियो पे कितने लाइक्स होने चाहिए ध्रुवी? 20,000 लाइक्स होने चाहिए, तो ये थोड़ा और भी ज्यादा अच्छे से व्लॉग करेगी, करेगी ना नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेगी ना। हाँ चलो ध्रुवी ने हाँ बोल दिया। तो यस गाइस, अभी तो मैं इधर से निकल रहा हूँ, वापस स्टूडियो जा रहा हूँ, देखते हैं आज का वीडियो का क्या सीन है, मेन चैनल का एंड गेम का अपडेट देखते हैं। तो अभी हम लोग वापस स्टूडियो पे आ चुके हैं, एंड अभी स्टूडियो पे क्या सीन हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब गाइस, जैसे ही हमें पता चला था कि हम नए स्टूडियो पे जाने वाले, तो इधर का फर्नीचर हमने हटवा दिया था, तो अभी सारा सामान ऐसे पड़ा है पूरा बिखरा हुआ, एंड अभी तक वो स्टूडियो की चीज़ें आई नहीं है, मतलब कवर्ड एंड ऑल, तो थोड़ा टाइम हो जाएगा शिफ्टिंग को, तो काफ़ी ज़्यादा अभी मुसीबत हो गई है, मतलब सब कुछ ऐसे ही रखना पड़ा, शिफ्ट करना बाकी अभी फ़िलहाल।
लेट्स सी, होपफुली सब काम जल्दी हो जाए, वो स्टूडियो स्टार्ट हो जाए तो हम लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मैकडी से ऑर्डर करते हो ना तो कोक इसमें आता है, ठीक है, ये जो होता है ना इसमें कोक आता है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी बॉटल्स इधर आ चुकी है मैकडी की, और ये तो ठीक है, आपको मैं मेन दिखाता हूँ, ये देखो लिटरली इतनी सारी, इसके पीछे पीछे मतलब बहुत है, तीन लेयर बनी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। इतना मैकडी हमने खा लिया है, और ये सिर्फ एक महीना हुआ है मैकडी को ऐसी बॉटल स्टार्ट करने में, और एक महीने में आप देख सकते हो ये इधर इतनी, और घर में आप जिधर ढूंढोगे उधर ऐसी बॉटल्स मिल जाएगी। मतलब कितना मैकडी खा लिया है, और हमने लिटरली हद हो गई है। स्टूडियो पे आने के बाद मैं सो गया गाइस, मैंने एक घंटे की मस्त सी नींद ली, और अभी 8 बज गए थे तो मैं फटाफट रेडी हो गया, नहा धो के अभी मैं नहा के रेडी हुआ। फिर मैं सोचा बाहर जाके कुछ शूट करने से अच्छा घर में कुछ बनाता हूँ, कुछ अलग करता हूँ ट्राई। तो आप सबको पता है मैकडी मेरे को कितना पसंद है, तो अभी मैंने क्या किया, मैकडी को रिलेटेड सारी चीजें मैंने ऑर्डर कर दी, जैसे आलू टिक्की हो गए, बन हो गया, फ्राइज हो गए, तो ये सब नॉन बेक्ड है, अपने को बेक करना पड़ेगा अभी। तो अभी ये सब बना के मैं अपने लिए आलू टिक्की मील आज खुद बनाने वाला हूँ, तो लेट्स सी मैं कैसा कुक बनता हूँ और कैसा बनाता हूँ मैं आलू टिक्की मील। फाइनली गाइज इधर मील रेडी हो चुकी है, और इसमें मैंने मतलब कितने कांड किए ना मेरे को पता नहीं, 2 बार थम्सअप गिरा है, 2 बार मेयोनीज पूरा नीचे गिर गया, मतलब बैंड बज गई बनाते बनाते। बट फाइनली इधर आप लोग देख सकते हो एक परफेक्ट मील मैंने बना ली है, कोक भी हमने मैकडी का यूज़ नहीं किया, खुद का ला के उसमें भरा है। तो अब ये बर्गर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि बनाने में जो मेहनत लगी है मैं बता नहीं सकता, शॉर्ट्स में आपको पता नहीं चला रहेगा, बट यस और इसमें मैंने पीरी पीरी मसाला भी डाला है, तो हमारे पास पीरी पीरी फ्राइज भी है, बहुत टेस्टी मील बनी है, मज़ा आ गया। एक तो भाई मेहनत से बना के खाने का ना फील ही अलग था, तो यार इसके लिए एक लाइक तो बनता है। एंड यस अभी ये खाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। अभी बज चुके हैं रात के 10, एंड मैं ये व्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, यार काफी ज्यादा मेहनत लगी आज के व्लॉग में, स्पेशली लास्ट के वो 2 मिनट में जिधर मैंने मैकडी की मील बनाई है घर पे, लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी उसमें। लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, हमें बहुत जल्दी 500 के रीच करना है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। एंड यस ऐसे व्लॉग में एंटरटेन करते रहूंगा, एंड आपको वीक में एवरी वीक में 3 अच्छे अच्छे व्लॉग्स देने का ट्राई करूंगा, या ज्यादा उससे भी। तो यस मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट। हेलो गाइस, अकुल मुझे आता ही नहीं कुछ, दूर पकड़ ऐसे होगे, यू फकिंग फाइट बैक। Fight back.